सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सुकांत ट्यूटोरियल। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप 2022-23 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट क्यों मानक केबे ठारु आरंभ किपरि रजिस्ट्रेशन करिबे केते टंका मिलिबो फुल डिटेल्स इनफॉर्मेशन जानिबा पई समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जे माने वीडियो देखुछंती वीडियो को लाइक करिबा सहित जदि आपण माने प्रथम थरा करी आम यूट्यूब चैनल को व्यू करछंती तो आम चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन को ऑल सेट कर दियंतु एहिपरि लेटेस्ट स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो प्रथम पाइबा पई। देखंतु बंधुगण, नेशनल स्कॉलरशिप अंडर रे थिबा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रो न्यू सेक्शन 2022 एवं 23 सेक्शन पाई न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होई सारी। तो आपण माने स्क्रीन रे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखि पारुथिबे। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार तरफ रु ए नोटिफिकेशन रिलीज कर दैछि। भारत रे अध्ययन पाई अनुसूचित जातिर छात्री मानक निमन्ते मैट्रिक परवर्ती वृत्ति अर्थात भारत रे अध्ययन करुथिबा अनुसूचित जाति अर्थात एससी स्टूडेंट मानक निमन्ते मैट्रिक परवर्ती वृत्ति जोटा रोच आम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पाई से माने योग्य। देखंतु कोन रहिछि, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा परिचालित अनुसूचित जाति छात्र योजना निमन्ते मैट्रिक परवर्ती वृत्ति हेउछि राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रशासन जरिया रे प्रणीत एक वृत्ति योजना। यही योजन मैट्रिक परवर्ती शिक्षा किंबा पोस्ट सेकेंडरी स्तर रे अध्ययन करुथिबा अनुसूचित जातिर छात्र छात्री को शिक्षा समाप्त पाई आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। भारत रे अध्ययन करुथिबा छात्र छात्री माने एही वृत्ति योजना पाई योग्य होई पारिबे। जहाकु एही वर्ग रे रहुथिबा एवं सेही अंचल रे बास करुथिबा छात्र छात्री मानंकु राज्य केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान करा जिवो। देखंतु जो मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति जोटा हूँ आम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बुझिपाले। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कौन रोचे जो मैंने भी टेन्थ पर टेन्थ पर आपसी कोर्स करूँ टेन्थ पर आप प्लस टू करूँ प्लस टू पर आप प्लस थ्री करूँ कि आई टी आई करूँ कि डिप्लोमा करूँ जहाँ भी कोर्स करूँ से आपंकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा परिचालित करोटा रोचे आमर राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रशासन जरिया एक वृत्ति योजना बुझिपाले। से कौन रोचे ना आर्थिक सहायता शिक्षा छात्र छात्री शिक्षा समाप्त पर आर्थिक सहायता प्रदान कर बुझिपाले। देखूँ से योजन प्रणयन कर जो राज्य सरकार प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान कर आर्थिक टंका जो स्कॉलरशिप से राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्रदान कर बुझिपाले। तो जेहतु आर्थिक सहायता कर पिला पाठ पढ़ा से स्कॉलरशिपा करवल रही है कौन ना एससी स्टूडेंट अर्थात अनुसूचित जाति अर्थात एससी स्टूडेंट मैं स्कॉलरशिप रही आगुक आम एस टी स्टूडेंट सहित आप ओबीसी बुझिपाले ओबीसी एससी बीसी सहित ईबीसी पिला स्कॉलरशिप यहाँ ओपन हे कि एवं ओपन होती आपंकर एससी स्टूडेंट मैं केवल ओपन होती जो मैंने पंजीकृत करेंगे अर्थात रजिस्ट्रेशन करेंगे बुझिपाले। देखूँ ए स्कॉलरशिप टंका मिलबार उद्देश्य कौन, उद्देश्य होची शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जातिर छात्र छात्री मानक समुदाय अंशग्रहण अनुपात को वृद्धि करिबा एवं गरीब परिवार छात्र छात्री मानक प्रति गुरुत्व देवा अर्थात ए स्कॉलरशिप टंका मिलिबार उद्देश्य रहुची। जो ए शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जाति जो मान एससी स्टूडेंट मानक कौन अंश को मान अनुपात को वृद्धि करवा से मुख्य उद्देश्य। तापर हो गरीब पर छात्र छात्री मानक प्रति गुरुत्व प्रदान करवा से प्रथम कारण मिलबार। सेकेंड रोचे आपणकर अनुसूचित जाति छात्र छात्री मैंने से मानकर मैट्रिक परवर्ती किंबा पोस्ट सेकेंडरी स्तर से शिक्षा समाप्त करने को आर्थिक सहायता प्रदान करवा अर्थात जो एससी स्टूडेंट मान रहे कौन रही मैट्रिक परवर्ती जो पोस्ट सेकेंडरी पाठ पढ़ा जमीक प्लस टू कि प्लस टू पर प्लस थ्री जमी रही आई टी आई कोर्स बुझिपाले जमी डिप्लोमा कोर्स रही है से शिक्षा समापन आर्थिक सहायता प्रदान करवा से मुख्य उद्देश्य स्कॉलरशिप टाँचा मिलबार। तापर होता योग्यतार मानदंड कौन रही कौन योग्य थे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे।
योग्यतार मानदंड हूँ यही वृत्ति भारतीय जातीय धारी केवल उन्नत रर्थात तो यही स्कॉलरशिप पाइबा कौन मैंने योग्य हे जो मैंने भारत में बास करेंगे। नेक्स्ट हूँ छात्र जी मैंने अनुसूचित जाति होते से पोस्ट मैट्रिक स्तर में अध्ययन करुवे अर्थात से एससी कैटेगोरी होते से पोस्ट मैट्रिक जो मैंने टेन्थ पर किसी भी कोर्स करुवे से स्कॉलरशिप पाइबा योग्य बुझे भारत में बास कर आवश्यक। नेक्स्ट हूँ से अनुसूचित जाति अर्थात एससी कैटेगोरी होते आवश्यक सहित से कौन ना पोस्ट अर्थात टेन्थ पर किसी भी गोटे कोर्स करुवे तेल से स्कॉलरशिप पाइबा योग्य बुझिपाले। रही आपंकर आय सीमारेखा अर्थात इनकम के आवश्यक वार्षिक अभिभावक और पितामाता आय जो सब पितामाता अभिभावक मान समस्त दिग्वर वार्षिक आय के वार्षिक आय तक हो 250,000 अधिक हो नई सब छात्र छी मैंने ये वृत्ति मंजूरी अर्थात पितामाता कि अभिभावक वार्षिक इनकम 250,000 बुझिपारे 250,000 तर कम हो वार्षिक इनकम तो से स्कॉलरशिप पाइबा योग्य हे बुझिपाले। तो कौन रही वृत्तिर उपादान बुझिपाले कौन रही देखूँ राज्य सरकार फीस धार्य और रेसनलाइजेसन कमिटी द्वारा धार्य होता प्रकार बाध्यतामूलक अणफेरस्त योग्य फीस सहित ट्यूशन फीस बुझिपाले सहित एकाडेमी भत्ता तो आप जो मिल कौ कौन ना आपंकर ट्यूशन फीस मिलता आप जो ठीक आडमिशन करूँ से नहीं जहाँ भी रेसनलाइजेसन कमिटी द्वारा धार्य होता बाध्यतामूलक अणफेरस्त योग्य फीस जो रहा ट्यूशन फीस सब सब प्रदान कर सहित आपकाडेमी भत्ता प्रदान कर देखूँ आपत टा कौन मिल बुझिपाले ग्रुप वन रही प्रोफेशनल कोर्स डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो मैंने करेंगे से मानक वर्ष को 7,000 मिल हॉस्टल रोकवा छात्र छी मान कत रहा 13,500 वर्ष को रोक बुझिपाले जो मैंने भी प्रोफेशनल कोर्स डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे से मानक वर्ष को 7,000 मिल से हॉस्टल रोकवे 13,500 मिल ग्रुप टू रही ग्रुप टू रही अन्यान्य पेशादार बुझिपाले पाठ्यक्रम जहाँ डिग्री एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट सार्टिफिकेट वर्ष को 6,500 मिल बुझिपाले जी हॉस्टल रोथे से मानक मिल 9,500 वर्ष को बुझिपाले। आप ग्रुप थ्री रोच ग्रुप थ्री रोच ग्रुप वन और ग्रुप टू अधीन आसु ना ग्राजुएट एवं पोस्ट ग्राजुएट कोर्स जो मैंने भी ये ग्रुप वन एवं ग्रुप टू रे जो कोर्स आसन जो कोर्स आसन ग्राजुएट एवं पोस्ट ग्राजुएट कोर्स वर्ष को 3,000 मिल हॉस्टल रोज छात्र छी मानक 6,000 मिल ग्रुप फोर रोच ग्रुप फोर पर समस्त पोस्ट मैट्रिकुलेशन पोस्ट क्लास दशम स्तर बुझिपाले जो मैंने भी पोस्ट मैट्रिकुलेशन जो मैंने टेन्थ पर किसी भी कोर्स करेंगे जमी बुझिपाले से कौन वर्ष को 2,500 मिल हॉस्टल रोकवा छात्र छी मानक 4,000 मिल यहाँ हूँ केवल गवर्नमेंट कॉलेज बुझिपाले गवर्नमेंट जो रोच प्राइवेट कॉलेज ये हूँ अलग डिफरेंट जेहतु ये लो मात्रा रे स्कॉलरशिप टाइम मिलूँ आप बुझ सारे ग्रुप वन कौन रही ग्रुप टू रही ग्रुप थ्री ग्रुप फोर पर कौन स्कॉलरशिप रही बुझिपाले ये सब डिटेल्स अच्छी स्कॉलरशिप तापर कौन रही जो मैंने भी दिव्यांग छात्र छी मानक 10% अतिरिक्त भत्ता जो मैंने भी PWD फिजिकल हैंडिकैप्ड जो मैंने थे से मिल 10% अधिक होची भत्ता मिल बुझिपाले ता सहित 2022-23 पंजीकृत चालू अच्छी जो मैंने भी एससी स्टूडेंट होते से पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करेंगे कारण अप्लाई डेट आरंभ हो गलानी बुझिपाले तेनाली अप्लाई करेंगे पंजीकरण पोर्टाल 14 एप्रिल स्टार्ट बुझिपाले खोला रही ऑफिशियल वेबसाइट रोच www.scholarship.gov.in वेबसाइट आवेदन करेंगे बुझिपाले ना आपण मैंने कौन करेंगे गूगल सर्च करेंगे NSP नेशनल स्कॉलरशिप NSP करेंगे बुझिपाले नेशनल स्कॉलरशिप सर्च कला वेबसाइट आसी तार क्लिक करके आपण मैंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे ये रोज ओडिया नोटिफिकेशन रोच सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय तरफ आपंकर एससी स्टूडेंट मैं केवल रिलीज हो सारी तो आगे जो मैं ST रे OBC बुझिपाले
ओबीसी ता सहित एससीबीसी बुझिपारे एससीबीसी एवं ईबीसी पिला नोटिफिकेशन रिलीज हेब तो से आपण मैंने चैनल सहित रही था देखते जदि आपण मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई कर पारना तो आपण मैंने कांटेक्ट करेंगे कांटेक्ट कले आम आपण स्कॉलरशिप अप्लाई करदेबू बुझिपारे किसी भी आपन को प्रोब्लेम हेबनी आपण मैंने आम को कांटेक्ट करेंगे तो आपण मैंने आमको डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे ना आपण मैंने कौन सी नेट कैफे को जाए अप्लाई करें ना आम अप्लाई कर पारू देखूँ जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी तो निश्चिंत भाव गोटे भिडियो को लाइक करेंगे आउ सब सांग सेयार करते सहित आम चैनल सब्सक्राइब करेंगे जिते बेले भी सब्सक्राइब करते आपर स्कॉलरशिप रिलेटेड किसी भी भिडियो अपलोड करी से आपण मानक सर्वप्रथमें पहुँची पार देखूँ जदि आपन को ये भिडियो भल लगी तो निश्चित लाइक करेंगे सेयार करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे वंदे उत्कल जननी।